हेयर ऑयलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के लोग हों, सबके लिए हेयर ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों आइए हम जानते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल खुशु कॉर्नर। दोस्तों आशा करती हूँ आप सब खुश हैं और स्वस्थ हैं, और आज मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्टेड वीडियो शेयर करने वाली हूँ, हैवी ऑयलिंग हेयर रूटीन, और साथ में आप लोगों से एक स्लिक ब्रेड शेयर करूँगी। हेयर ऑयलिंग करना हमें क्यों ज़रूरी है ये भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। सो दोस्तों, क्या आपके भी बाल बहुत ड्राई हैं और बहुत फ्रिजी हैं? बालों की लेंथ नहीं है, बाल बहुत झड़ रहे हैं, बाल बिल्कुल भी स्मूथ नहीं हैं और बालों में बिल्कुल भी शाइन नहीं है। सो गाइज, अगर आप हेयर ऑयलिंग नहीं करते हैं तो अब आप हेयर ऑयलिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हेयर ऑयलिंग करने से हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, हमारे बाल को भी, हमारे मस्तिष्क को भी और हमारे हेयर को भी। हेयर ऑयलिंग तो बहुत सदियों से चला आ रहा है, बट अब के टाइम में कुछ लोग जो हैं हेयर ऑयलिंग बिल्कुल नहीं करते हैं, बट हेयर ऑयलिंग करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों, हेयर ऑयलिंग करने से पहले आप अपने बाल को अच्छे से सुलझा लें कॉम्ब से, ताकि आपको हेयर ऑयलिंग करने में कोई भी दिक्कत ना हो। और हेयर ऑयलिंग करने के लिए बालों को सुलझाने के बाद आप अपने फिंगर टिप के हेल्प से थोड़ा थोड़ा ऑयल लेके अपने स्कैल्प में बहुत ही अच्छे से मसाज करें। बहुत ही अच्छे से स्कैल्प में मसाज करने से स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाता है, जिससे कि हमारे मस्तिष्क को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है, बहुत ज़्यादा आराम महसूस होता है। सो दोस्तों, हेयर ऑयलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी। हमारा मस्तिष्क दिन भर काम करता है और उसको रिलैक्स करने के लिए हेयर ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के लिए हेयर ऑयलिंग तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको पढ़ना है और पूरा खेल तो दिमाग का ही है। ऑयलिंग सबके लिए बहुत ज़रूरी है, और ऑयलिंग शैम्पू करने से आप 1 या 2 घंटे पहले कर सकते हैं, या आप लाइट हेयर ऑयल जैसे कि सेसमे ऑयल हो गया, पैराशूट ऑयल हो गया, ऑली ऑयल हो गया, तो इन ऑयल को आप अपने स्कैल्प में मसाज करने के बाद ओवरनाइट के लिए रख सकते हैं एक बन बनाकर। बट मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा थिक रहता है, तो अभी समर सीजन भी चल रहा है, तो आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो आप शैम्पू करने से 1 या 2 घंटा पहले यूज़ कर लें, और उसके बाद अपने हेयर को वॉश कर लें। और वॉश करने के बाद गाइज, आपके जो हेयर है ना, आपको इतने अच्छे, इतने सिल्की और इतने लाइट वेट लगेंगे कि मैं क्या बताऊँ। मैं अपने बालों में हफ्ते में 2 बार हेयर ऑयलिंग ज़रूर करती हूँ, और आप भी अगर नहीं करते हैं तो अब आप स्टार्ट कर दीजिए हेयर ऑयलिंग करना। पूरे स्कैल्प में हेयर ऑयलिंग करने के बाद आप अपने बालों में फिर से एक बार कॉम्ब कर लें, बालों को फिर से अच्छे से सुलझा लें। उसके बाद फिर जो है रूट, स्कैल्प से लेके नीचे रूट तक अच्छे से थोड़े थोड़े हेयर में, पूरे बाल में आप अच्छे से हेयर ऑयलिंग करें। उसके बाद आप कोई भी जूड़ा बना लीजिए या कोई भी स्लिक ब्रेड आप बना सकते हैं। मेरा स्लिक ब्रेड आप देख रहे हैं कितना नीट एंड क्लीन बन गया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपने बालों में हेयर ऑयलिंग आप ज़रूर करें।